नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी बस आकार एक आपस में ठकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल तो चार गोटे घायल भेल संबंधी प्रसंग से पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नवलपरासी के लोखा पुल ओरालो में बीतल रात बस आकार एक आपस में ठकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल तो चार गोटे घायल भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरक प्रहरी सहायक निरीक्षक टीकाराम पौडेलक अनुसार पोखरा से नेपालगंज जा रहा ना 4-7799 नंबर के बस आ 12-13-6617 नंबर के कार एक आपस में ठकरेरा से कार में सवार नवलपरासी प्रसौनी 2 के 40 वर्षक नारायणी अधिकारी के मृत्यु भेल। हुनक मुंह आ माथ में गंभीर चोट लागल में इलाजक क्रम में भरतपुर मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल। पुलिसक कहब अछि घायल होबय वाला में प्रसौनी 2 के 45 वर्षक हड्डी अधिकारी, पाल्पा मदन पोखरा 6 के 36 वर्षक मीरा क्षेत्री, पाल्पा मदन पोखरा के कार चालक 35 वर्षक नारायण बस्याल आ बस में सवार मुगू के सरस्वती चापागाई रहल अछि। घायल इलाजक बाद घर घूरल पुलिस जनौलक अछि। जनकपुर उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 14 में सार्वजनिक दलान निर्माण होबय लागल अछि। बुध दिन जनकपुरक मुजेलिया में सार्वजनिक दलान नामक देल गेल भवन के इंजीनियर प्रकाश चंद्र साह शिलान्यास केलन अछि। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम सब करबाक लेल भवन निर्माण होबय लागल जन चेतना युवा क्लबक अध्यक्ष विजय कुमार यादव जानकारी देलन अछि। भवन निर्माण तथा शहरी डिवीजन कार्यालय ई भवन निर्माण करय लागल अछि। भवन निर्माण में 10 लाख खर्च होयत कार्यालय जनौलक अछि। जन चेतना युवा क्लबक साथे स्थानीय वासी के प्रयास में भवन बनय लागल अछि। 6 महीना भीतरे भवन निर्माण कऽ लेब के लक्ष्य लेल गेल अछि। मुस्लिम धर्मावलम्बी सब 10 दिन धरि मुहर्रम पावनि मनौने छथि। कोनो पावनि हर्षोल्लासक साथ मनाओल जात अछि, मुदा मुस्लिम धर्मावलम्बी सब के मनाबय वाला मुहर्रम पावनि हर्षोल्लासक रूप में नहीं भ क शोक के रूप में मनाओल जात अछि। नवीन यादव के एक रिपोर्ट। मुहर्रम मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण पावनि अछि। ई पावनि के खुशी से बेसी दुख के पावनि के रूप में मनाओल जात अछि। इस्लामिक वर्ष अर्थात हिजरी के पहल महीना के मुहर्रम कहल जात अछि। पैगंबर मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन के बलिदानिक शोक में मुस्लिम धर्मावलम्बी सब ई पावनि मनब के शुरू केने बताओल जात अछि। सऊदी के मक्का में जन्मल इमाम हुसैन के सन 680 में मुहर्रम महीना में हत्या कैल गेल छल। तत्कालीन अरबक शासक यजीद पैगंबर हजरत मोहम्मद के आदर्श शिक्षा के व्यवस्था करैत शासन करय चाहलाक बाद इमाम हुसैन आ हुनक परिवार अवरोधक बनल। यजीद अरब में चुआखाना, मदिरा खाना आ अन्य अनैतिक काज के छूट देबय लागल छल, मुदा इमाम हुसैन के ई डेग मन नहीं पड़ल। बाद में यजीद इमाम हुसैन के अपन अधीन में राखय चाहलक, मुदा हुसैन यजीद के अधीन में बैस नहीं सकलथ आ इराक छोड़य के निर्णय कलथ। मुदा इमाम हुसैन सहित हुनक संगी के यजीदक फौज इराक के करबला कहबला स्थान में घेर लेलक आ हजारों फौज के घेराबंदी में राखि क हुसैन आ हुनक परिवार सहित 72 गोटे के हत्या कऽ देलक, जाय में हुनक 6 महीना के बेटा हजरल अली असगर सेहो छल। वह समय से मुस्लिम धर्मावलम्बी सब ई महीना में इमाम हुसैन आ हुनक परिवार आ संगी के शहादत के शोक मना क हुनका सबके स्मरण करैत अछि। जो लोग मालूमात वाले नहीं है, जिसको समझ नहीं है, इस पर पूरा उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं है, वो अपना आज भी करते आ रहे हैं। तो आप देखिएगा, इसमें कोई मौलवी मौलाना बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं। इसमें वो लोग होते हैं जिनका दीन से वास्ता नहीं होता है। ये शराब पीना, हो करना, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें जो वो लोग करते हैं, जिन लोगों का मुस्लिम परस में अल्लाह से कोई वास्ता नहीं होता है, ये चीज़ हकीकत मानो में ये कोई भी धर्म शराब जुआ और जनाकारी वगैरह की इजाज़त नहीं देता है। हम लोग भी इसके मुखालिफ है कि ये औरत मर्द का जाना और वहाँ चीखना चिल्लाना ये सब शरीयत के लिहाज से अच्छा नहीं है। वह घटना के स्मरण में मुस्लिम धर्मावलम्बी सब हुसैन के सब राखल गेल जगह के प्रतीकक रूप में
दाहा बनबै छथि। आ बाँसमे रंगी संगी कागज आ प्लास्टिक साटिके बनाओल गेल मंडप आकार के दाहा के आगू मुस्लिम धर्मावलम्बी सब शोक प्रकट करैत अछि। मोहर्रम में दहा बनब के बाजा गजा बजाव के अनासगन सेहो क्या जाते छ, मुदा ई कार्य के स्वयं मौलाना सब गलत कहै छथि। ओ सब हमर सबक समाज में गलत रूप में मोहर्रम मनाओल गेल दावी सेहो करै छथि। जैसे नकारे बजाना, ढोल बजाना, ये सब हमारे में जायज नहीं है, समझे? ये फिर भी लोग बजाते हैं, समझे? और हमारे में बस यही बोला ना कि जो चीज है हमें गम और खुशी का इजहार नहीं बल्कि गम करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हम इन चीजों से परहेज करें, एहतियात। मौलाना के कहब में मुस्लिम धर्मशास्त्र कुरान अनुसार नाच गान करब बाजा गजा बजाब के अपराध मानल जाते हैं। के मुतालिक जो हदीस के अंदर आया है कि 12 महीनों में से सबसे अफजल महीना है, और इसके अंदर रोजे के मुतालिक आया है कि ये 9वीं और 10वीं रोजा रखा जाए, और इसमें दंगा फसाद करने से मना किया गया है, और अल्लाह के रसूल का हदीस है कि ये सब चीज करना सही है। एम्हर दहा बना कर मुहर्रम मनब वाला मुस्लिम सब परंपरा के निरंतरता देने बतबे छथि। मुहर्रम केला मनबै छिए, परंपरा से आगे बनवा ले रहे मनबै छिए सब। मुहर्रम मनब के तरीका में विवाद रहला के बादो वास्तव में ई पावन सत्य पर कैल गेल बड़बड़ दमन के विरोध है, आ ई पावन नैतिकता, मानवता, अहिंसा आ सत्य के सब दिन सदिखन मनन करय के पाठ अवश्य सिखबैत अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरामैन संजय शाह, हरिशंकर शर्मा के संग नवीन यादव के रिपोर्ट। उदयपुर जिला के बेलटार बसहा नगर पालिका अंतर्गत बेलटार बजार बीतल रात से तनावग्रस्त बनल अछि, त भीड़ के नियंत्रण कर पुलिस दर्जनों राउंड अश्रु गैस सेहो प्रयोग केलक अछि। बेलटार दुई सिरबानी रहनिहार राजेंद्र कटवाल के कन्या भीम कुमारी कटवाल के 5 दिन पहिने मोरंग के सिजुआ स्थित बेतौना के जंगल में हत्या भेल छल। बीतल रात हुनक सब लाबक के क्रम में बेलटार बाजार में हजारों के संख्या में स्थानीय वासी राजेंद्र के विरुद्ध आंदोलन में उतरल बाद बेलटार बाजार तनावग्रस्त बन पहुँचल स्थानीय वासी शिव कुमार राय जनौलन अछि। भीम कुमारी के सब लेने लगले माइती पक्षक आ हजारों स्थानीय वासी राजेंद्र आ हुनक परिवारजन विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप में गेल बाद झड़प शुरू भेल बात इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटार जनौलक अछि। उक्त झड़प नियंत्रण कर इलाका प्रहरी कार्यालय के संपूर्ण प्रहरी शक्ति प्रयोग कऽ दर्जनों राउंड अश्रु गैस प्रयोग कर पड़ल। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारक प्रमुख भीमकांत सिलवाल जनौलन अछि। पुलिस संपूर्ण जनशक्ति लगा कर रात के 12 बजे धर में भीड़ नियंत्रण भेल बादो एखन धर बेलटार बाजार तनावग्रस्त रहल बात स्थानीय वासी जनौलक। आप इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका के सामुद्रिक सेना के युद्ध पोत ऊपर आक्रमण कैल गेल अछि। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन यमन दिस से आक्रमण भेल जनौलक अछि। पिछला 4 दिन में ये दोसर आक्रमण रहल अछि। पेंटागनक अनुसार मिसाइल निशाना में नहीं लागल कारण पैघ दुर्घटना हो बने सकल। रक्षा विभाग हमला के जवाफी कार्रवाई करबाक संकेत देने अछि। USS युद्धपोत के निशाना बनाकर हमला कैल गेल छल। अमेरिकी रक्षा विभाग मिसाइल यमन के हुथी विद्रोही के नियंत्रण में रहल क्षेत्र से प्रहार कैल गेल अछि। आप स्पोर्ट्स न्यूज। ICC महिला विश्व कप क्रिकेट अंतर्गत नेपाली राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टोली आई आयोजक हांगकांग के सामना कर रहल अछि। अंक तालिका के शीर्ष स्थान में रहल हांगकांग संगे के ई दोसर खेल रहल अछि। छनोट के पहिल खेल में नेपाल हांगकांग संग 6 विकेट से पराजित भेल छल। हांगकांग के कोलुन स्थित कोलुन क्रिकेट मैदान में 12:15 बजे शुरू होयत प्रतियोगिता में नेपाल पहिल हार के बदला लेब के दाव में रहल अछि। छनोट के पहिल खेल में नेपाल हांगकांग, दोसर खेल में थाईलैंड संग
पर पराजित भेल छल। तेसर खेल में नेपाल चीन के पराजित केने अछि। जीत संगे नेपाल दू अंक जोड़ने अछि। अंक तालिका के शीर्ष स्थान में हांगकांग अछि त दोसर स्थान में थाईलैंड रहल अछि। शीर्ष स्थान में रह वाला टोली 2017 में होब वाला ग्लोबल छनौट में भाग लेत। ग्लोबल छनौट में 10 टोली सहभागी हैत। ग्लोबल छनौट में 10 टोली मध्य शीर्ष चार में पड़े वाला टोली इंग्लैंड में होब वाला महिला विश्व कप खेल पाओत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टीवी। नमस्कार।